एवरीवन, वेलकम टू वेजिटेरियन फूडीज किचन। आज मैं आपको एक झटपट रेसिपी देने जा रही हूँ जिसमें आलू और आटे को मिलाकर पूड़ी बनाएंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए 3 मीडियम साइज़ के आलू और 1.5 कटोरी आटा, थोड़ा सा धनिया की पत्ती, थोड़ी सी लाल मिर्च कुटी हुई, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा अमचूर आधा चम्मच और 2 चम्मच सूजी, 2 चम्मच भर कर, ये रवा भी इसे कहते हैं, ये डालकर और इसमें 2 चम्मच तेल डाल देंगे मोयन के लिए। बस इन सबको मिक्स करके ये हम आटा गूंद लेंगे। इस तरह से सभी सामान को आपस में मिलाकर हम अच्छे से एक टाइट डो बना लेंगे। तो इसे अभी हम गूंद कर, हमारा आटा ये गूंद कर तैयार हो गया है। अब इसे ढक कर 10 मिनट के लिए रख देंगे। उसके बाद फिर मसाला पूड़ी अपनी बनाते हैं। 10 मिनट हो गया है, इधर हम अपना गैस ऑन करके तेल गरम होने के लिए रख देंगे और इधर ये आटे से थोड़ा तेल लगा कर हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। एक साइज के हमारे सभी ये लोई तैयार हैं। तो इसे हम पूड़ी बनाएंगे, लेकिन बहुत पतली पूड़ी इससे नहीं बनाएंगे, थोड़े मोटे मोटे ही बनाएंगे। ये देखिए इतने मोटे। इसी तरह से हम सारी मसाला पूड़ियों को छान कर निकाल लेंगे। हमारी ये सारी मसाला पूरी तलकर तैयार है, तब हम इसे निकाल लेंगे, फिर सर्व कर लेते हैं। ये मसाला पूरी बहुत ही जल्दी झटपट नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। तो अगर आपके पास आलू उबला हुआ रखा हो तो बहुत ही जल्दी ये नाश्ता तैयार हो जाता है, और अगर आपको कभी जल्दबाजी हो तो इस तरह सा नाश्ता बनाकर आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। और आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को लाइक और शेयर भी कीजिए, और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियोज़ आपको मिलते रहें।